अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि निर्वाचन क्षेत्र के दायरे को तोड़कर समाज के सभी वर्ग के लिए विशेषतः युवा वर्ग के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले विधायक विवेक पाटिल ने हमेशा बेरोजगार युवकों में जागरूकता निर्माण कर उन्हें स्वयं रोजगार या रोजगार के लिए प्रेरित किया है। अब की बार उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुशासित स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड तथा बैंकिंग क्षेत्र में निर्माण हुए रोजगारों को लेकर जागरूकता दिखाते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई है। हम आपको बता दें कि प्रशासन के साथ साथ बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध तकरीबन 15,000 नौकरियों का अवसर युवाओं को मिलने वाला है, जिसके लिए श्री पाटिल ने शेकापक्ष के मध्यवर्ती कार्यालय में एक ऐसा कक्ष शुरू किया है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं और यह काम पिछले लगभग एक महीने से चल रहा है। विधायक विवेक पाटिल की इस पहल की अहमदनगर जिला अंतर्गत संगमनेर से आए एक युवक ने जमकर तारीफ की। मैं संगमनेर तालुका संगमनेर और नालेलो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है माझा गोल्डी पठार गाँव। मैं ऐक्चुअली पुण्यावरून इकडे येताना इथं नेरूळमध्ये मला माहिती भेटली। तर इथं पनवेलमध्ये आमदार साहेबांच्या इथे त्यांच्या ऑफिसमध्ये स्टाफ सिलेक्शन जे फॉर्म भरून घेतले जातात व्यवस्थित माहिती पण दिली जाते। त्यासाठी मी चौकशी केली थोडीशी ते लोकल याच्यामध्ये, तर माझे नातेवाईक होते त्यांनी मला याबद्दल माहिती दिली तिथे। त्यानंतर मी ॲड्रेस घेऊन इथपर्यंत आलो आणि फॉर्म भरला। खरं तर असली आमच्याकडं कुठं नाही आहे, म्हणजे आमच्या नगर जिल्ह्यामध्ये असं जिथं आमदार साहेब असतात त्यांच्या ऑफिसच्या ठिकाणी जे बेरोजगार तरुण यांच्यासाठी मार्गदर्शन करून असे फॉर्म भरले जातात, असं तो आमच्या इथं तरी कुठं नाही। आणि इथं आल्यानंतर अशी सोय आहे असं म्हणजे एक विशेष आहे आणि नवीन वर्गासाठी तर चांगले नवीन जे बेरोजगार तरुण आहेत त्यांच्या। कुल मिला के इस युवक की माने तो विधायक विवेक पाटिल का अनुकरण अन्य विधायक करे और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के लिए इस प्रकार की पहल करे तो इस देश और राज्य में बेरोजगारी पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।